मेरा अकेला इस जग में तू सब गाओ प्रेम से आया अकेला इस जग में तू आया अकेला इस जग में तू आया अकेला मत करियो जग में मन मेला 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 भाव से पार उतरियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हरि वादा से करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो हरि वादा से करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो जगत प्रीत मत करियो बोलो राधे राधे थोड़ा जोर से बोलो पिताजी को समझाया कि हे पिताजी आप भागवत का पाठ करो वन में जाकर के घर में बैठोगे तो और क्लेश होगा हे पिताजी गोपियां भी कहती है देखो ज्ञानी पुरुष जो होता है ना वो चुन चुन के ज्ञान की बातें करेगा गोकर्ण जी कहते हैं हे मेरे पिताजी आत्मादेव गोपियां क्या कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना हे मेरे पिताजी गोपियां कहती है तव कथामृतम अमृत क्या है परमात्मा की कथा सारे ज्ञानी महापुरुष कहते हैं क्लेश को मिटाने वाला भगवान की कथा है आप वन में जाओ भगवान का भजन करो यहां रहोगे और क्लेश होगा इससे क्या आत्मा देव कहते हैं हे गोकर्ण मैंने पुत्र को नहीं मैंने एक संत को पाया है एक साधु को पाया है इसलिए तेरा आज्ञा लेकर के मैं वन में जा रहा हूं वन में गए श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद का खूब पाठ किया पाठ करते 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 चले गए गोकर्ण जी संत घर में मन लगता नहीं घर में क्लेश देख करके और अच्छा नहीं लगता घर से निकल गए तीर्थों की यात्रा करने लगे अब घर में कौन कौन बचा चार लोग थे ना माता पिता गोकर्ण और धुंधुकारी पिताजी तो चले गए गोकर्ण जी भी निकल के चले गए घर में कौन कौन बचा धुंधुकारी और धुंधुली भाई इसको जुआ खेलने की आदत एक दिन जाके माँ को कहता है माँ
तुम्हारे गले में जो सोने का चैन है ना वो मुझे दे दो। बोले क्यों? क्योंकि ये मैं दाव में रख करके जुआ खेलूंगा। माँ ने कहा ना बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ निशानी है, इसको मैं नहीं दे सकती। बोले आपको देना पड़ेगा। जबरदस्ती छीन करके लेके चला गया। आज धुंधुली को भी पछतावा हुआ कि देखो मैंने जो दोष किए थे, जो पाप किया था, आज वही मेरे को फल मिल रहा है। रात के 12 बजे के समय में कुएं में कूद करके धुंधली बाई भी चली गई, अकेला बचा। देखो अकेले में बहुत अच्छा भी होता है, अकेले में बहुत बुरा भी होता है। अच्छा आदमी, कोई अच्छा विद्यार्थी अकेला रहेगा ना, खूब पढ़ेगा, और कोई बदमाश रहेगा तो अकेले रहेगा ज्यादा, खूब बदमाशी करेगा। कोई भक्त होगा तो अकेले बैठेगा तो खूब भजन करेगा, ध्यान करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, और कोई कपटी आदमी अकेले बैठेगा तो चोरी करेगा, छल करेगा, कुछ करेगा। अब अकेला रह गया तो चोरी करने की आदत पड़ गई। चोरी करते 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 वो गणिकाओं के चक्कर में पड़ गया। और गणिकाएं कहती हमको कान वाला दो तो किसी से चोरी करके ला के देता, नाक वाला दो तो किसी के यहां से चोरी करके लाता। एक दिन राजा के दरबार में चोरी करने के लिए गया। जब चोरी करके भागने लगा तो राजा के सिपाही लोग पकड़ने के लिए उसको पीछे पीछे भागे। ये पोटली लेकर के भागे 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 आया गणिकाओं के सामने। वो पोटली रखा, सोना चांदी हीरे मोतियों से भरा हुआ वो पोटली रखा और सो गया। थका हुआ था, भाग के आया था। गणिकाओं ने खोल करके देखा तो इतनी कीमती कीमती आभूषण, जरूर इसने राजा के यहां से चोरी करके लाया है। यदि राजा के सिपाही इसको पकड़ लेंगे तो इसके साथ में हमको भी जेल जाना पड़ेगा। इसे खींचने लगे दोनों तरफ से, तब भी नहीं मरा। तो जलते हुए अग्नि के जो कोयले होते हैं, जलते हुए गरम गरम कोयले, वो ला करके उसके मुख में डाले गणिकाओं ने, तो तड़पता हुआ उसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होते ही प्रेत बन गया। बोलो राधे राधे। कई लोग कहते हैं भूत प्रेत होता है, कई लोग कहते नहीं होता है, लेकिन भागवत प्रमाण करती है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेत होते हैं ये भागवत प्रमाण करती है। प्रेत बन गया। प्रेत बनकर के सबको सताने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते 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 गया जी में पहुंचे। वहां पे खबर मिला कि माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए, धुंधुकारी भी चला गया, तीनों के नाम से पिंडदान किया। सोचा उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन प्यारे भक्तजनों पिंडदान से ही हमारे पितरों की मुक्ति नहीं मिलती। कई लोग जाकर के गया जी में कर देते हैं, सोचते हैं कि बस हो गया। अरे संसार में जितने भी हम लोग आए हैं ना, सब एक न एक दिन गया जी आया है, सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंध जाता जंजीर। जिसने भी जन्म लिया है एक न एक दिन वो सब गया जी। जब जन्म ले तो उसको एक ना एक दिन गया जी जाना ही पड़ता है। घूम फिर करके घूमते 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 एक दिन मन में विचार आया गोकर्ण के कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जिस जगह पे हमने जन्म लिया है वो भूमि स्वर्ग से भी महान है। एक तो माँ, दूसरी जहां हमने जन्म लिया। चलो मैं अपने गांव जाके आता हूं, पुराने घर में जहां पे आज कोई भी नहीं है उसका क्या हाल होगा, थोड़ा घूम करके तो आऊं। ये सोच करके गोकर्ण जी महाराज आए। आकर के रात के समय में भजन करने लगे तो कभी बिल्ली आती है, कभी भैंस आता है,
कभी अनेक प्रकार के आवाजें आती हैं। सोचा कि आखिर क्या चीज है, मैंने तो तीनों के नाम से पिंडदान कर दिया, फिर ये जीव जंतु इधर उधर क्या है। ये हाथ में जल लेकर के संकल्प करके जैसे फेंका, फेंकते ही वही प्रेत बना हुआ धुंधुकारी प्रकट हो गया। रोते हुए कहता है कि हे गोकर्ण, मेरे लिए कोई सत्कर्म कर दो, मेरे लिए कोई उपाय कर दो, मैं प्रेत बन करके बहुत दर दर ठोकर खा रहा हूं, प्यास लगती है, पानी पी नहीं सकता, खून पीना पड़ता है, भूख लगती है, भोजन नहीं मिलती, खून पीना पड़ता है, मुझे इस नरक से बाहर निकालो मेरे भाई। जब जोर जोर से रोने लगा उस समय गोकर्ण जी ने कहा, अभी तुम जाओ, कोई ना कोई उपाय करते हैं। प्रातः काल 4-5 बजे जब सूर्य भगवान निकलने लगे, उदय होने लगे, उसी समय सूर्य भगवान को रोक दिया गोकर्ण जी ने और कहा, हे सूर्य देव, आप हमें ये बताइए कि पापी से पापी पुरुष यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका कल्याण का क्या उपाय है। तो भगवान सूर्य ने कहा, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, सप्त दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करो और कथा श्रवण कराओगे तो उसकी मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रश्न पूछा, वो तो आकर के सुन नहीं सकता, ये भूत प्रेत तो हवा के झोंके होते, हवा आया तो उड़ के कहां चले गए। तो पूरे गांव वालों को निमंत्रण देकर के सुंदर पंडाल बनाया गया, एक 7 ग्रंथी वाली गांठ में बांस में मंत्रों के द्वारा उस धुंधुकारी को प्रवेश कराया गया। और जैसे एक दिन की कथा हुई तो पहला ग्रंथी गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे होते होते 7वें दिन जब 7वां गांठ फटा, 7वें गांठ फटते ही वहां से भूत प्रेत बना हुआ वो धुंधुकारी देवता का रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे प्रकट हुआ, प्रकट होते ही ऊपर से भगवान का विमान आया, विमान में बैठ करके सीधा परमात्मा के धाम। सब श्रोताओं ने कहा कि देखो ये तो हमारे साथ छल हुआ, कथा सबने सुनी लेकिन मुक्ति केवल एक को मिली, किसको? धुंधुकारी को। सबने कहा कि देखो कथा तो हम सबने सुनी। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखो कथा तो सब सुनते हैं, क्यों? क्योंकि सुनने के सुनने में बहुत फर्क होता है। श्रोताओं का यहां पे बड़ा सुंदर उल्लेख किया है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे। पहले नंबर में श्रोता 1 नंबर के होते, 3 बजे की कथा है तो 5 मिनट पहले आएंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे और आसन में बैठ जाएंगे। जब तक कथा प्रारंभ नहीं होती भजन सुनते रहेंगे और एक आसन में बैठकर के कथा सुनने का प्रयास करेंगे, नियम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और कथा में उनके चेहरे में प्रसन्नता होगी। वो तो हो गए 1 नंबर के श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। अब देखो घर में क्या करें, चलो पंचमुखी बालाजी बगल में है, जाते हैं, डल्ला बुल्ला बिछाया होगा, जाकर के बैठे बैठे थोड़ा झपकी उपकी ले लेते, आ गए और आकर के जैसे वक्ता जी ने बकना शुरू किया, श्रोता जी ने सोना शुरू किया। बोलो राधे राधे। अरे प्रकाश भाई राधे राधे बोल दिया करो, सब दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अब जैसे राधे राधे बोले तो झटपटा के आंख खुले, फिर कथा प्रारंभ तो फिर इधर भी शुरू। ये 2 नंबर के श्रोता। और 3 नंबर के होते हैं सरोता। सरोता देखा है ना,
सुपारी काटने वाला। बोले ठीक है, लेकिन व्यास जी तो समय से तो आते नहीं, 3 बजे का टाइम है तो हम लोग आए ना, लेकिन उनको तो आके बैठना चाहिए ना। बोलो राधे राधे, हम लोग का काम रहता है घर गृहस्थी का, व्यापार धंधा का, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस संभालते हैं हम लोग, ये तो साधु आदमी काम धाम इन्हें टाइम से बैठ करके शुरू करे। कमी उसका क्या नाम है, सरोता। तो आप लोग सरोता भी मत बनना, सोता भी मत बनना, श्रोता बन करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले नंबर की भक्ति क्या है, श्रवणम, परमात्मा की कथाओं को श्रवण करना, ये पहली भक्ति है। तो आप और हम सब 1 नंबर की भक्ति करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आदरणीय भक्तवृंद, परमात्मा ने हमें अवसर दिया है कि ये पितर पक्ष के अवसर पर आप और हम सभी यहाँ पे कथा में श्रवण करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और ये कथा के साथ श्रवण करें। राधे श्याम के सुमिरन से कट जाते सब पाप, राधे श्याम जो साथ रहे फिर मन का ही संताप। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए युवा संत श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। 21 अक्टूबर 2018 से प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।